एक और सवाल, यदि दर्शक आप पे सवाल उठाए कि आप एक पत्रकार होने के नाते धर्म निरपेक्ष नहीं है, तो उनको आखिर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, धर्म निरपेक्ष की आपको क्या परिभाषा लगती है? धर्म निरपेक्ष जो किसी और धर्म के अगेंस्ट ना जाए एक तरीके से। नहीं, बिल्कुल गलत। इसको समझिए, धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जिसको धर्म से कोई अपेक्षा ना हो। तो ये तो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों ने ऐसा चश्मा पहनाया लोगों को कि धर्म निरपेक्ष मतलब सब धर्मों का सम्मान। पहली बात तो वो सब धर्म है नहीं, वो मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म सिर्फ दुनिया में एक है, सनातन वैदिक धर्म। सनातन वैदिक धर्म मतलब जो सदा से चला आया, जिसका ना आदि है ना अंत है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि गाय हमारी माता है, और एक व्यक्ति बोल रहा है गाय हमारा भोजन है, तो दोनों कैसे सम्मान, दोनों का सम्मान कैसे कर लोगे? भाई एक तरफ तो जाना पड़ेगा, एक ही तो काम होगा। एक मयान में तो दो तलवार रह नहीं सकती। एक बोलता है मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, और एक कहता है कोई मतलब नहीं, ये माँ, बहन, बेटी, बेगम सब एक हैं, सब कोई डिफरेंस नहीं। तो कैसे एक कैसे हो जाएंगे? एक नहीं हो सकते। एक बोलता है भाईचारा, और एक बोलता है भाई ही मेरा चारा, तो कैसे कैसे एक हो जाएंगे? एक नहीं हो सकते ना। आपके घर की कोई पहली रोटी है तो वो गाय को जा रही है, और उनके घर की रोटी के साथ ही गाय थाली में परोस के आ रही है, तो एक कैसे हो जाएंगे? एक तो हो नहीं सकते।